हेरिटेज स्ट्रीट पर पिछले 50 वर्षों से कारोबार कर रहे दुकानदारों ने आज विधायक डॉक्टर अजय गुप्ता को नगर निगम की ओर से अतिक्रमण संबंधी दुकानदारों के खिलाफ की जाने वाली कार्रवाई से अवगत करवाया और इस संबंध में एक ज्ञापन भी सौंपा, जिसमें उन्होंने लिखा कि अमृतसर नगर निगम की ओर से हेरिटेज स्ट्रीट में कारोबार कर रहे दुकानदारों के खिलाफ नगर निगम के स्टेट विभाग की ओर से आने वाले कुछ दिनों में अतिक्रमण संबंधी कार्रवाई की जानी है। उन्होंने कहा कि कोविड के कारण पहले ही दुकानदार तबाह और बर्बाद हो गए और अब नगर निगम दुकानदारों के खिलाफ कार्रवाई कर उनके कारोबार को बिल्कुल खत्म कर रही है। ज्ञापन में उन्होंने मांग की कि नगर निगम प्रशासन हेरिटेज स्ट्रीट में कारोबार कर रहे दुकानदारों के खिलाफ कार्रवाई ना करे और उनके कारोबार को बिल्कुल खत्म होने से बचाए, क्योंकि उन्होंने पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार को भारी बहुमत से जीत हासिल करवाई है और अब उनके खिलाफ ही नगर निगम प्रशासन ऐसी कार्रवाई कर रही है जो कि नहीं की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि वह इस संबंधी नगर निगम कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर से भी बात करेंगे। इस अवसर पर दीपक अरोड़ा, नानक चंद, नरेश कुमार, हरी स्वरूप के अलावा हेरिटेज स्ट्रीट के कई दुकानदार उपस्थित थे। मार्केट की मांग तो कोई भी नहीं भाजी, मार्केट की मांग हक है जरा उन्होंने बनता वा की है भी इन्होंने की किया जे ब्लॉक करता अगों उन्होंने दुकाना का मूँह मत्था नहीं देता, किसी को पता ही नहीं है कि अंदर कोई चीज़ सानू मिल सकती कि नहीं मिल सकती, मार्केट कितने आ कि नहीं है वो जो चार शरीर उतो रोटी खाते पे आ साढ़े वर्गे ज होर 10 शरीर लगे हुए किसी भी शॉप के उत्ते तो उन्होंने दसा भी अगों 10-10 मैंबर आने कितों पूरे करने, इसलिए की आ कि इन्हों की सहमति के नाल ही थोड़ा जहा कारपोरेशन चाहिए कि बाहर उन्होंने फ्रंट से उन्होंने विंडो ला दी जाए ता कि वह अपने अड्डा रख के अपना समान तो वेच सकन, जोड़े बंदे रखे उन्होंने वर्करा के घर की रोटी चल सके, होर कोई इन्हों को नजायज़ मंग नहीं करते, हर एक तरीके दे नाल अहीं जिहड़ी सरकार दे नाल आ। बाकी ये आ कि कुछ साढ़े नाल भी सलाह करके मशवरा करके चलन, मैं यही कहना चाहना। अभी पहले भी अपना नाम दस के मैं प्रधान मार्केट हाँ, केसरी बाग मार्केट का प्रधान। अभी पहले भी यानी कि जो लॉकडाउन लगा अभी ये उजड़ चुके हैं, अभी नहीं चाहते कि बार बार उजड़िए, क्यों साढ़े परिवार रोटियां खाने वाले ने कि अभी इस उम्र चो रोटी खाने के बजाय अं कि जाइए, जी इन्होंने डेकोरेशन की एर वगैरह की है वो साड़िया दुकाना बिल्कुल अंदर लुक गई ने, अंदर गाहक जाता ही नहीं, आप आके प्रशासन वेख लिया कि साड़ी दुकाना किमें बनिया ने, अंदर जे गाय जाएगा ही कोई नहीं तो अं रोटी कद ना खावे, इस करके सानू अं फुटपाथ जो फुटपाथ से खलोते हैं, फुटपाथ से आवाजाही कोई नहीं हैगी, थले थले आवाजाही है, कोई भी प्रशासन आके वेख लवे कि फुटपाथ उत्ते आवाजाही कोई नहीं, उसको रौनक बनी है, फिर रौनक चलन रही है, कारोबार चलन रहा, रौनक चलन रही है, जे अं उजड़ जावे तो साढ़े नाल किन्ने परिवार उजड़नगे, क्यों साढ़े नाल कई परिवार जुड़े हुए हैं जिहड़े कि काम कर रहे हैं, अगर साढ़े उजड़न दे नाल बहुत ही इतों लैके दरबार साहब का कई परिवार रुल जाएंगे, लखां परिवारों का नुकसान होगा, अं नहीं चाहते कि साढ़े ना कुछ हो, अभी इस करके कहने सा बैठ के गलबात की जाए, सानू थोड़ी बहुत ही जितने भी है जगह बात दी जाए जिदा कि अं कारोबार कर सकी, अं रोटी कमा सकी खा सकी।